बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? एक नई सुबह आप सबको मुबारक हो। और बच्चों की छुट्टियां हैं तो माएँ भी इस वक्त रेस्ट कर रही होंगी आराम से। तमाम टीवी चैनल जो हैं उस पर बेशुमार ज़बरदस्ती प्रोग्रामिंग चल रही है रमज़ान के हवाले से, आप उसे भी इंजॉय करें। वक्त पर आपके लिए पयाम रमज़ान ट्रांसमिशन का जो है वह अहतमाम किया गया है। आई होप एंड आई विश के आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और बहुत अच्छी बातें आप लोगों को सुनने को मिल रही होंगी। मुंतज़िर रहती है हमारी टीम आपकी फ़ीडबैक की, तो अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें ताकि हम बेहतर से बेहतर जो है वो चीज़ें आपके लिए पेश कर सकें। सलाम पाकिस्तान में भी हम कोशिश करते हैं कि जो रमज़ान का महीना है इससे रिलेटेड ही जो है कोई ना कोई बात आपके साथ की जाए। तो जनाब, आज हम पहले हमने बड़ी बात की खाने पीने के हवाले से पिछले कई दिनों से, आज हम बात ये करने जा रहे हैं कि रमज़ान में डेफिनेटली हर इंसान जो है उसके खाने की रूटीन भी तब्दील हो जाती है। सहरी में भी आप रोगनी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे वट एवर, अगर आप फेनी भी खा रहे हो या पराठा भी खा रहे हो, कहीं ना कहीं ऑयली चीज़ का इस्तेमाल हो जाता है। और इसी तरह इफ्तार में भी रहता है, आप फ्राइड आइटम्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप चने की चाट खा रहे होते हैं, आप पकौड़े खा रहे होते हैं, दही बड़े खा रहे होते हैं। गर्मी भी है, इसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल आपकी स्किन पर जो है मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस करता है। कुछ लोगों को एक्ने होने लग जाता है, स्किन जो है वो ज़्यादा जो है उसमें से सीबम रिलीज़ होने लग जाता है। आगे ईद भी है और ईद के फौरन बाद जो है वो शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ लोग जो हैं वो सहरी तक जाग रहे होते हैं, सोते ही नहीं हैं, तो पूरी रात जागने की वजह से उनके डार्क सर्कल्स भी पड़ जाते हैं। सो ये जो तमाम मसाइल चेहरे के आपको हो जाते हैं, इनको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे से ईद भी गुजारनी है और अगर आगे शादियां हैं तो उनको भी जो है वो निपटाना है, तो ये तमाम चीज़ें कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, इस हवाले से आज हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और अपने मुफीद नुस्खों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब आप कैसे हैं? अल्लाह करम, सना आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज आपका फेवरेट टॉपिक है खूबसूरती। जी जी जी, है ना, आपका बड़ा फेवरेट होता है ये टॉपिक, तो मैंने सोचा आज शाह साहब को खुश कर देते हैं, शाह साहब की मर्जी का टॉपिक रखते हैं। तो ज़रूर कॉल कीजिए, आप नंबर है 02132220070। अगर आपको लगता है कि पकौड़ा खाने से आपके चेहरे पे पकौड़ा आ गया है तो अब उसका क्या करना चाहिए, या सब ज़रा इसी से शुरू कर लेते हैं। ये जो फ्राइड चीज़ें खाने से आपको जो है वो एक्नी, आपको दाने चेहरे पे होने, एक्नी तो मैं नहीं कहूँगी, वो एक्नी होती है कि आपने पकौड़ा खाया और अगले दिन पिंपल्स आपको निकल आते हैं। सो क्या करना चाहिए? ये खून की गर्मी से भी होते हैं और गर्म ग़िज़ाएँ खाने की वजह से भी होते हैं, इसकी वजह से स्किन भी डल हो जाती है और चेहरे पे लूजपन आ जाता है। अच्छा, ठीक है। उसमें ये है कि जैसे झुरियाँ टाइप का पड़ना, और आम इंसान जो रमज़ान से पहले मिला होता है और रमज़ान के बाद मिलता है, कहते हैं पता नहीं क्या करता रहा, इतना कमज़ोर नज़र आ रहा है और चेहरा उतरा हुआ है सारा। अच्छा है, कमज़ोर तो होना चाहिए, पतले चेहरे अच्छे लगते हैं। हाँ नहीं, लेकिन वो चेहरा बड़ा अजीब सा हो जाता है, बेरौनक हो जाता है, वो रौनक नहीं होती है। चेहरा हमेशा पिंकिश होना चाहिए, तो इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए। एक फल आता है बही का फल। किसका फल? बही। कैसा होता है? ये होता है बिल्कुल नाशपाती की तरह और अमरूद की तरह होता है। अच्छा, ओके। ये जायका कैसा होता है? इसका जायका मीठा होता है, अमरूद की तरह ही होता है, आराम से मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। ओके। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये जिगर के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा। ये दिल के लिए भी बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, याददाश्त बहुत अच्छी करता है इससे, और इसके अलावा स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये खाना चाहिए, एक फल तकरीबन 12 दिन इस्तेमाल कर लें काफ़ी है, एक फल रोज़ाना ले लें। और किन्नू के छिलकों का पाउडर और संदल पाउडर, इन दोनों को मिक्स करके दही में इसका पेस्ट, पाउडर किन्नू के छिलकों का, किन्नू के छिलकों का पाउडर। हाँ, पंसारी। अच्छा। के पास होता है, खुश्क मिल जाते हैं। ओके। उसका पाउडर ले लें और साथ में संदल का पाउडर ले लें, संदल। हाँ। लकड़ी का। इन दोनों को मिक्स करके आधी चम्मच थोड़े से दही के अंदर मिला के पेस्ट बना लें और पूरे फेस पे अप्लाई कर लें। अगर पिंपल्स या दाने या एक्नी के भी दाने हों जो 18 साल से शुरू होते हैं, 14 साल से लेके 25 साल तक, ये उस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक सवाल मेरा, ये जो दही है ये ऑलरेडी इसमें बड़ी क्रीम होती है, बड़ा जो है इस तरह की इसमें फैट्स होते हैं, सो आप जब उसको फेस पर लगाएंगे एक्नी के ऊपर तो वो बढ़ेगी नहीं आपकी? नहीं, ये एंटीसेप्टिक भी होती है दही। जी जी जी। ये कलर साफ करने में भी मदद देती है। दही चेहरे पे, अगर दूध में इसका पेस्ट बनाएंगे तो दूध में पिंपल्स निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, दही में नहीं होते हैं, दही ठंडा होता है।
ओके ठीक है ना। आप ट्राई करें, अगर बाज लोगों को दही सूट नहीं करती है तो वो अरके गुलाब में पेस्ट बनाएं, क्योंकि अगर आपको एक्ने और आप दही लगा रहे हैं तो वो भी उसमें मेरे ख्याल से कहीं बढ़ना जाए एक्ने नहीं, बढ़ता नहीं है, बढ़ते नहीं। देखें एक्ने और इसमें ये हमेशा याद रखिएगा कि ये कुछ दिनों में आप देखेंगे चेहरा साफ है, कुछ दिनों में देखेंगे फिर भरा हुआ होता है। एक्ने में यही क्वालिटी होती है ना, तो इसलिए इसको खाने की दवा से आप कंट्रोल करेंगे, लगाने से तो उसके निशान खत्म होंगे। अच्छा, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि या तो अरके गुलाब में, अगर आपको दही से एलर्जी है, दही तो से एलर्जी का संदल का पाउडर और किनों के छिलके का पाउडर वो भी आपको इजीली मिल जाता है। फिर अब मेरे ख्याल से कुछ दो तीन महीने में किनों का सीजन भी आ जाएगा, तो वो आपके उस आप उसको वो भी कर सकते हैं ड्राई करके उसकी स्किन को, और फिर आप खुद भी पाउडर बना लें घर। नहीं नहीं, वो भी कर सकते हैं, पंसारी की शॉप पे वैसे ही खुश मिल जाता है इजीली मिल जाते हैं। राइट, तो आप तो इनको मिलाकर पाउडर बना लें। पाउडर में ये डर होता है ना, पता नहीं क्या दे रहे हैं, इसलिए अगर नहीं नहीं वहाँ साबुत भी देते हैं सूखे हुए। अच्छा, पंसारी की शॉप पे सूखे हुए साबुत भी मिल जाते हैं। ओके, इनको मिला के पाउडर बना लें और संदल पाउडर भी मिला लें उसमें, फिर उसको अरके गुलाब में पेस्ट बना के, अगर एक्ने के दाने मौजूद हैं तो अरके गुलाब में कर लें, अगर एक्ने के दाने मौजूद नहीं हैं तो फिर आप दही में इसका पेस्ट बना के पूरे फेस पे लगा लें। अच्छा। 15 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करके रब करें, अगर दाने हैं तो फिर रब नहीं करना, 15 मिनट बाद चेहरा ही धो लेना। ओके ठीक है, दानों को खत्म करने के लिए आप नीम के बीज होते हैं, नीम के बीज अच्छा। बिल्कुल चिलगोजे की तरह होते हैं, इसको तोड़ के इसके अंदर से मगज निकलता है, जैसे चिलगोजे अच्छा। में से निकलता है, सेम इसी तरह से। अच्छा, जो नीम का दरख्त उसमें वो येलो येलो से होते हैं, येलो येलो से सूखने के बाद इसमें लंबी लंबी सी होती हैं। अच्छा, उसके अंदर से आपने वो उसके सीड लेने। जी हाँ। अच्छा, फिर क्या करना है? उसके 5 दाने छोटे से होते हैं वो, बिल्कुल चिलगोजे की तरह, 5 दाने सुबह निहार मुंह खा लिया करें, खाना है उनको, खा लिया करें। ओके okay. और देखिएगा पूरा खून धुल जाएगा, तो जब खून धुल जाएगा मतलब आपका ब्लड प्यूरिफायर के तौर पर ये चीज़ काम होगी, आपका ब्लड प्यूरिफायर हो जाएगा। मुझे बताएं ये जो है नीम के, जो आप कह रहे हैं कि उसके सीड्स लेने, वो भी आपको पंसारी से मिलेंगे? पंसारी से मिल जाते हैं। अच्छा, मुझे लगा नीम के बीज के 2 बेनिफिट्स और भी हैं। वो क्या? एक वो पाइल्स के लिए बहुत अच्छा है, बवासीर के लिए। दूसरी चीज ये है कि वो अगर सर में जुएं हो गई हो, अल्लाह लीकें जुएं ये चीजें हो जाती ना बच्चों के सर पे, तो आप उसे कुचल के पाउडर टाइप का बन जाता है, कुचल लेते हैं और उसे सरसों के तेल में मिला के सर पे लगाएं। ओके, वेरी नाइस। हाँ, 20 मिनट लगा लें, 20 मिनट के बाद धो लें, सिर्फ 5 दिन करना होता है, इसी 5 दिन में छोटी लीकें जुए ये सब खत्म हो जाती है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं नीम के जो वो जो नीम के पेड़ पर वो जो होते हैं क्या कहते हैं, तुख्मे नीम। अच्छा, तुख्मे नीम आपने इसको लेने, नीम निबोली भी कहते हैं। हाँ, निबोली, उसके आपने सीड्स लेने हैं, उसको पीसना है और उसको ऑयल में, जो भी आप ऑयल लगाते हैं, चाहे आप जो भी ऑयल आपके घर में इस्तेमाल किया जाता है सर में लगाने के लिए, उसमें आपने वो मिक्स करके और सर पर लगाना है, बच्चों के या बड़ों के जिनको भी ये जुओं का या लीखों का प्रॉब्लम है। कितनी देर लगाना है? 20 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, वो आपके बिल्कुल 20 मिनट या आधा घंटा लगा लें, पूरी रात लगा के नहीं छोड़, नहीं नहीं खून की सफाई हो जाए, तो चाहे आपका चेहरा जो है वो अच्छा दिलकश हो जाता है या पिंकिश होने लग जाता है, तो उसका एक ऑल्टरनेट अभी इन्होंने बताया, नीम के बीज। नीम के बीज आपने कितनी तादाद? 5 दाने नीम के बीज सुबह निहार पेट चबा के खा लें, ऊपर पानी पी लें। निहार पेट क्यों खाने? निहार पेट ये है कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, अगर आप कड़वे होते निहार थोड़े से कड़वे होते हैं, चबाना है उसको, ऐसे चबा के और खा लें ऊपर पानी पी लें। अगर पाउडर खा लें तो? पाउडर खाएंगे तो पाउडर खा लें, लेकिन ये है कि वो साबुत लेने से ये होता है कि ये पेट में जाके वैसे ही हल हो जाता है। नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक कड़वी चीज़ है, वो खा नहीं सकते, होता है डेफिनेटली। एक चीज़ अब आप उसको चबाएंगे, साबुत जो है वो खाया जा सकता है, पाउडर जो है वो पूरे मुंह पे फैल जाता है जो कि बहुत कड़वा हो जाता है। नहीं, वो आप आगे करके पाउडर डालेंगे ना। अच्छा जी, चले जाए, आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, आप वो सीड्स भी ले सकते हैं अगर आप चबा सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखें क्या जाता है ट्राई करने। अगर आपको लगता है कि नहीं तो फिर आप पाउडर को आपको खाना है, दवा समझ के आप इससे खाएं, इससे यकीनन जब खून साफ होगा तो फिर आपके जो है वो चेहरे के फिर जो आपको हल्के पड़ जाते हैं या डार्क सर्कल्स हैं ये चले जाएंगे, क्योंकि जब तक आप इंटरनल मामला सॉल्व नहीं करेंगे तो एक्सटर्नल आप कोई भी चीज़ ऊपर से लगाते रहेंगे उसका इतना बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो नहीं आ सकेगा। अच्छा, ये तो हमने बात की एक्ने की या आपने कहा ब्लड प्यूरिफाई की, अक्सर ऐसा होता है कि
या तो आपने बहुत प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं की, क्योंकि अब जो लोग डेली रूटीन में हम लोग मेकअप कर रहे होते हैं, तो अगर आप प्रॉपर क्लेंजिंग ना करो, आप टोनिंग ना करो, आप टोनर ना इस्तेमाल करो, तो नेक्स्ट डे सुबह जो है वो आपको कहीं ना कहीं पिंपल हुआ हुआ होता है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है हर शख्स के लिए कि वो रात को बेड पर जाने से पहले क्लेंजिंग करें। अब जब ये अचानक से जो तोहफे निकल आते हैं, जो पिंपल्स निकल आते हैं, इनका क्या किया जाए? कोई ऐसी है कि ये चीज़ ये बैठ जाए, क्योंकि फिर बढ़ते हैं ये दाने आपको चेहरे पे? देखिए, ये स्किन एलर्जी की वजह से भी होते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है गुले पनीर, पनीर के फूल। पनीर के फूल? जी, पनीर एक बूटी आती है। अच्छा, उसके 5 दाने एक गिलास पानी में रात को डाल लें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। एक टाइम रोजाना पीना है और ये लगातार 12 या 13 दिन इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह ताला हर किस्म की एलर्जी, ख़ारिश या दाने निकल आते हों या क्लिनजिंग ना की उसकी वजह से हो जाते हैं, अचानक से एक दाना निकल आता हो, ये उसको ख़त्म करती है। आजकल आम का सीज़न है, आम लोग खा रहे होते हैं, उसकी वजह से भी बड़े बड़े फोड़े निकल आते हैं, ये उसको भी ख़त्म करती है। क्योंकि आम के बाद फिर आपको कहते हैं ना कि दूध और पानी पी लेना चाहिए ताकि उसकी जो गर्माइश है वो ख़त्म हो जाए। ये कॉम्बिनेशन है, ये बड़े बताते हैं हमेशा, और अगर आप इसको करें और फिर आप आम खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप आम के बाद आधा गिलास पानी और आधा गिलास दूध मिक्स करके ठंडा मिक्स करके पी लें। इससे एक और चीज़ होती है, इससे नींद भी बड़े सुकून की आती है। अच्छा जी हाँ, आप रात के टाइम पे आम खाएं, आम के बाद आधा गिलास दूध और पानी मिक्स करके लें, आप देखें 10-12 मिनट में आप देखना आपको नींद आ जाएगी, नींद का खुमार हो जाएगा। लेकिन इससे फिर आपने खाना नहीं खाना, क्योंकि ये दोनों चीजें ही पूरा मिल रहे हैं। आप सोचो, दूध और पानी का मसला से एक गिलास ले रहे हैं, फिर उसके साथ आप 1 या 2 आम खा रहे हैं, तो बस इतना बहुत है। छोटा सा मैदा होता है हमारा, इतना साइज होता है, कल मुझे पता चला है। तो इसलिए जो है वो अपने मैदे का ख्याल रखें, अपना समझ के खाना खाइए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, और शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी मैं इनसे बात करी थी ब्रेक में कि मेरी अपनी कुछ फ्रेंड्स, अच्छा अब तो नया सिलसिला है ना, व्हाट्सएप पे आप ग्रुप बनाते हैं और बस वो सारा दिन उसी पर चैट चल रही होती है। किसी को एक ख़ास चीज़ पता चली तो उसने बस वो फिर सब अमल कर रहे होते हैं। ज़रूर करें, जो चीज़ आपको इंटरनेट पर मिलती है आप, लेकिन उसको पहले समझ लें, जांच लें कि आया वो आपके लिए रिएक्शन ना कर दे। सही बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उन तमाम चीज़ों को मैं गलत कह रही हूँ, नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको फ़ायदा करती हों, वो मुझे फ़ायदा ना करे, तो इसलिए पूछ लेना चाहिए। चेहरे का मामला ऐसा होता है कि फिर मसले ख़राब होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपना चेकअप भी करवा लेना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन कम अज़ कम करनी चाहिए। लेकिन ऑन ईयर जितनी भी चीज़ें हम बता रहे होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जिनका 1% भी नुकसान ना हो। हाँ। क्योंकि हर इंसान यूज़ कर रहा होता है, इसका अगर उसे बेनिफिट ना मिले तो नुकसान भी ना मिले। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जितनी बेहतर से बेहतर हो, मैं शॉर्ट नुस्खा हो। आपने जितने भी पिछले प्रोग्राम्स किए होंगे, मैंने कोई तवील उस पर लेक्चर नहीं दिया, एक मुख्तसर बात करी और उसके ऊपर मैंने नुस्खा बता दिया। हमने डिबेट भी की और फिर हम एक नतीजे पे पहुंच गए। ये अच्छी बात है, ये जमहूरियत का हुस्न है, ठीक है। कि सबको सबके उस कहने का हक होता है। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी गर्मी बहुत है और कुछ लोग ऐसे हैं, इवन जो लड़कियां हैं जो कॉलेज जाती हैं, या वो लड़के जो बाइक्स पर जाते हैं, बाइक राइड करते हैं, या जिनका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उनकी स्किन बर्न, सन बर्न हो जाता है उनको। अच्छा आप लड़कों को भी देखिए, उनके हाथों पर जो है, जहाँ तक शर्ट होती है, वॉच जो होती है, उसकी स्किन का कलर और होता है और हाथ जो है वो ख़राब हो चुके होते हैं। तो क्या करना चाहिए सन बर्न के लिए? पहले एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी हैं आप? सना, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताओ अपना। हिना, कहाँ से कॉल कर रही हो हिना? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। ओके, कहो क्या पूछो? पूछना था मुझे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम शाह साहब, मुझे अनीमिया है। ओके। बहुत ज्यादा मैं अनीमिक हूँ, मैं टेबलेट्स भी लेती हूँ, डाइट का भी काफी मैंने केयर की है, लेकिन कुछ मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा। और सेकेंड ये कि अभी आपके प्रोग्राम में भी आप बात कर रहे थे ब्लड प्योरीफाई करने की, तो मैं डेली सीरा और टमाटर उनको ब्लेंड करके उनका जूस पीती हूँ सुबह निहार में।
अच्छा, तो ये मैं कितना टाइम और करूं और इसके ब्लड प्योरीफाई होगा, क्योंकि मेरे ब्लड में टॉक्सिन है और मेरे जो स्किन है उस पर भी पिंपल्स हैं और इस वजह से इंफेक्शन है। अच्छा हेना, ये बताओ कि आपका एच बी कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है आपका? बहुत कम है, बहुत कम, मतलब शदीद एनेमिक हूं। आपने कब टेस्ट करवाया था? 2 months ago. कितना आया था? आई थिंक अब याद नहीं, लेकिन कम था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने टेबलेट लिख कर दी कि ये सुबह आपने लेनी है, आप ये खाएं। मुझे एटलीस्ट 2 months हो गए हैं, मैं रेगुलर डाइट भी ले रही हूँ, टेबलेट भी, लेकिन अभी तक वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करती हैं? किसका? फ्रूट्स का इस्तेमाल करती हैं आप? फल खाती हैं? नहीं नहीं, हाँ जी फ्रूट लेती हूँ, मीट नहीं खाती। ठीक है, अभी हम सजेस्ट करते हैं आपको कि दवा क्या हो सकती है और ग़िज़ा क्या हो सकती है जिससे आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, इन्होंने बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछा शाह साहब। हमारे यहाँ अगर मैं अपनी पाकिस्तानी ख़वातीन या एशिया की ख़वातीन की बात करूँ तो यकीनन हर दूसरी औरत ब्लड एनेमिक है। हमारा हीमोग्लोबिन हर औरत का कम होता है और क्योंकि हमें वो ग़िज़ा नहीं मिलती, फिर टेंशन डिप्रेशन इतना ज़्यादा रहता है। अब आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? मैं चाह रही थी पता चल जाए हीमोग्लोबिन। सबसे बेहतरीन इनका काम ये है कि अपने मौलिक से मशवरा करें, सेल्फ मेडिकेशन कम करें। इसकी वजह से भी जब खून की कमी होती है, एनेमिक पेशेंट्स होते हैं तो उनको चेहरा फूल जाता है, जिस्म भी फूलने लग जाता है, तो लोग समझते हैं कि मोटापा आ रहा है। हाँ। वो मोटापा नहीं होता, वो खून की कमी की वजह से होता है। अगर ये कह रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा कम है तो इनको फौरी चाहिए अपने जनरल फिजिशियन से मशवरा करें। तो अगर इनको जो सजेशन वो देंगे उस पर अमल करें, क्योंकि हम यहाँ हैं, ये लाहौर में हैं, ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा। बहरहाल अपने इनको चाहिए कि खाना पीना, डॉक्टर को दिखाया है, उन्होंने इनको कुछ मेडिसिन सजेस्ट किए हैं, वो अपने टाइम पे जारी रखें, बिल्कुल जारी रखें। फ्रूट का इस्तेमाल करें, ये इतना डाइटिंग ना करें, क्योंकि इसमें डाइटिंग करेंगे और जिस्म फूलता जाएगा इनका। इनको चाहिए कि मक्को दाना और तुख्मे कासनी, ये दो चीज़ें, मक्को दाना और तुख्मे कासनी एक गिलास पानी के अंदर रात को डाल दें, एक एक चम्मच दोनों का, और रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के वो पी लें। ये जिगर के लिए भी बेहतर है, खून बनाने की सलाहियत भी पैदा करेगी, फैटी लीवर को भी ख़त्म करेगी, और ये जो जिस्म फूल रहा है ना इनका, ये उसको भी कम करेगी। अच्छा, ये भी जिस तरह अभी मैं इनसे फ्रूट का जिक्र करी थी, आम के लिए कहा जाता है कि ये खून बनाता है, बड़ा अच्छा है। फिर सबसे अच्छी चीज़ फ्रूट्स में, जिसको खून बनाने की मशीन का कहते हैं कि वो इतनी तेज़ी से आपके जिस्म में जाके काम करते हैं, वो है चेरीज़। और लाहौर में बड़ी ईजीली, मैं अभी गई हूँ, आपको आसानी से मिल जाता है। और आप ये मत सोचें कि महंगा है, आप एक बर्गर जो खाते हैं 500-600 रुपये का, तो आप 250-300 रुपये का एक चेरी का डब्बा आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप लीजिए, 2-3 दिन में एक बॉक्स आप आराम से उसे खाइए, बहुत जल्दी खून बनाता है वो। अभी लीचीज़ हैं, आम हैं, तो ग़िज़ा बिल्कुल ग़िज़ा अपनी जारी रखिएगा, चीज़ों से भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और तकरीबन 1-40 दिन में जाके अपना दोबारा ब्लड टेस्ट किया करें कि अभी आपका ब्लड कितना है, और अपने ज़रूर अपने मौलिक से ज़रूर मशवरा जारी रखिएगा, क्योंकि खून की कमी को आप ईजिली मत लिया करें। बाज़ लोग कहते हैं कम है, कोई बात नहीं, बन जाएगा। अबे कहाँ से बनेगा, किसी का क्या पी लोगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग पीते भी हैं, जिस लोग का खून पी रहे होते हैं वो, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा होता, नजर नहीं आ रहा। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए रमजान में, खास तौर पर रमजान में तो ना कीजिए, लेकिन क्या करें, लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं, बाज नहीं आते। सो जो लोग ब्लड एनेमिक हैं वो कोशिश करें कि ग़िज़ा के ज़रिए अपने उन तमाम चीज़ों को आप हल कर सकें। अच्छा, कुछ लोग जो है ना, वो उनको ये भी होता है कि कलेजी जो है कलेजी, वो कच्ची पक्की बना के खाते हैं। अच्छा, कुछ लोग इस बारे में कहते हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं होती। हाई बीपी के पेशेंट्स के लिए कोशिश करें कि वो इस पर ना करें इतना, लेकिन खा सकते हैं, मना नहीं है। ओजरी खाया करें, ओजरी से भी खून बनती है ये, ठीक है ना? ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चले वो फिर लोगों को पता होंगी, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ इन्होंने पूछी थी, इन्होंने कहा जो ब्लड प्योरीफाई करने के लिए, खून की सफाई करने के लिए, वो आपने जो बताया था नीम के जो बीज थे, वही इस्तेमाल करना है? बिल्कुल कर सकती हैं ये, ठीक है, ये भी कर सकती हैं, शात्रा बूटी कर सकती हैं। ओके, इनके नुकसान कोई नहीं। शात्रा बूटी कैसे इस्तेमाल करें? शात्रा बूटी एक चाय वाला चम्मच, घास की तरह होता है वो, एक अंदाजे से एक चाय वाला चम्मच एक गिलास पानी में डिप कर दें रात को,
और रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें वो पानी। ओके, उससे क्या होगा? वो भी कड़वा होता है, ये ब्लड प्योरीफाई करती है और इसके अलावा ये एक्नी के दानों को भी खत्म करती है। ये एक्नी का तोड़ कहते हैं इसको, शात्रा बूटी, शात्रा बूटी। जिनको एक्नी हो, जिनको पिंपल्स वगैरह हो, ये चीजें हो, वो पनीर बूटी ले लें। ठीक है, 5 दाने एक गिलास पानी में रात को भिगो के सुबह निहार पेट पी लें। कोई डायबिटिक पेशेंट हो जिसका शुगर की प्रॉब्लम हो, वो कोई चीज़ पाउडर फॉर्म में नहीं खा सकता, तो वो शात्रा बूटी वो ले लें, चिरायता बूटी। चिरायता ओके, देखिए मिलते जुलते नाम है। चिरायता ये नेपाल से आता है। ओके ठीक है, इसके 1 चम्मच के बराबर एक अंदाजे से तोड़ के 1 गिलास पानी में डिप कर दें रात को और सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये कुछ अर्सा इस्तेमाल करें, शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। ओके वेरी नाइस। और जिस तरीके से आपने पहले अर्ज किया कि हाथ पांव काले हो रहे होते हैं, निशान बन रहे होते हैं, सनबर्न हो जाता है, जी हाँ, तो उन बच्चों को और उन खवातीन को चाहिए कि वो एक शरबत आता है उनाब, शरबत उनाब 1 गिलास पानी में 4 चम्मच मिला के, ठीक है इस तरह बना के 1 गिलास सुबह पी लें, 1 गिलास रात को पी लें, तो आप देखिएगा चेहरे पे ग्लो भी आना शुरू हो जाएगा, हाथ पांव पे भी ग्लो आना शुरू हो। अच्छा, ये जो बेचारे जो सारे बच्चे हैं, ये लोग जो बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो ये लोग भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। शरबत उनाब जो है वो 1 गिलास पानी में आप कह रहे हैं 4 चम्मच मिला के। अच्छा, ये जो अब डिफरेंट हो जाता है स्किन का कलर, इससे ये बैलेंस होने लग जाएगा। बिल्कुल बैलेंस होना शुरू हो जाता है, वेरी नाइस, चेहरा पिंक हो जाता है। अच्छा, क्योंकि कुछ लोगों को सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, सनबर्न होने लग जाता है, तो वैसे आप कोशिश करें कि ये चीज इस्तेमाल करें। वैसे आम खाते ना, आम खाने से भी आप धूप की शिद्दत से बच सकते हैं। ओके, क्या बात है, ये सनबर्न को खत्म करती है। अच्छा, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक सना, मुझे हकीम साहब से बात करनी थी। जी जी, बिल्कुल बात कीजिए। हकीम सर, मेरा 2-3 मसले हैं। एक तो मेरा बेटा है 4.5 साल का, माशाल्लाह, और उसको जो है ना बैक पासिंग का प्रॉब्लम है। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना यूरिन पास कर देता है, उसको बैक पासिंग का प्रॉब्लम है, तो मैं उसको क्या दूं और कैसे रहता दूं। और दूसरा नहीं सना, मैं आपकी आवाज़ नहीं समझ आ रही है, प्लीज आप जरा रिपीट करो अपने सवाल को, बहुत डिस्टॉर्शन। जो मेरा 4 साल का बेटा है जी, उसको बेड वॉशिंग की प्रॉब्लम। ठीक है, ओके नेक्स्ट। और जो मेरी 6.5 साल की बेटी है, एक तो उसके बालों का प्रॉब्लम है कि उसके बाल नहीं है, ठीक है, और दूसरा जो है वो बोलती भी बहुत कम है, मतलब ठहर ठहर के अटक अटक के या सही बोल नहीं पाती, क्लियर उसकी आवाज या बात समझ में नहीं आती। उसकी उम्र कितनी है? 6.5 साल की है। ठीक, अच्छा, आपने किसी डॉक्टर को बेटी को दिखाया ले जाके कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? वो लोग तो कहते हैं कि इसकी थेरेपी से ठीक हो जाएगी, और काफी टाइम तक स्पीच थेरेपी भी उसकी मैं करवाती रही हूँ। अच्छा, स्पीच थेरेपी आपने करवाई है, लुकनत है उसकी जबान में? जी, लुकनत है जबान में या वो? हाँ, तकरीबन इसी तरह ऐसा है कि पहले बिल्कुल नहीं बोलती थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत उसने बोलना शुरू किया है, लेकिन सही क्लियर समझ नहीं आती कि क्या कह रही है, सेंटेंसेस भी कुछ बोलती है, कुछ सेंटेंसेस बोल नहीं पाती है। अच्छा, तो आपने स्पीच थेरेपी क्यों रोक दिया, आप कंटिन्यू करती, उन्होंने आपको क्या सजेस्ट किया? नहीं, उन्होंने स्पीच थेरेपी तो कहा था, लेकिन फिर मैंने स्पीच थेरेपिस्ट करने लगवा लिया था, क्योंकि वहाँ ये अकेली जाती नहीं थी, तो ये प्रॉब्लम थी मुझे। अच्छा, तो ये उससे कुछ फर्क तो पड़ता रहा है, लेकिन मैं ये जानती कि इसमें हर्बल कोई हो, फिर उसमें कोई इसका आप कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पास इलाज मौजूद है, अभी हम आपको बताते हैं, आप आइए स्क्रीन के सामने। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हाँ, जो भी मशवरा आपका इलाज जैसा ही है, तो शाह साहब बताइए, ये है हुक्म कीजिए। देखिए, वो जितनी वो बात कर रही है ना, इनका मुख्तसर सा सवाल था, उसका जवाब भी मुख्तसर है कि इनका जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट इनको जो मशवरा दे रहा है वो बहुत बेहतर है। ऐसे बच्चे जो हैं, जब 12-13 साल के हो जाते हैं, वैसे ही ठीक हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, तो इनको चाहिए कि ये जो मशवरा दे रहे हैं आप सिर्फ वही अमल करें। मैं भी इनके ऊपर, ये बच्चे बहुत छोटे हैं। हाँ। कोई दवा, कोई चीज या कोई हर्ब उनको गर्म ना लग जाए,
नहीं, और वैसे भी स्पीच थेरेपी का जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया आप वो करवाती रहें, फिर आपको खुद भी हर वक्त उसके साथ ना इसी तरह रहना है उससे बात करते हुए कि उसकी जो आप जब वो स्पीच थेरेपी हो रही होती है आप खुद साथ बैठे हैं, आप देखें कि थेरेपिस्ट किस तरह उससे बात करता है, कैसे उसको डील करता है, और आप बाकी भी टाइम उसको उसी तरह डील करें तो इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई उसको हर्ब खिलाएंगे और उसके बाद वो बोलना शुरू कर देगी। हाँ यकीनन अगर वो कमज़ोर है, वो एक्टिव नहीं है, तो उस हवाले से बात की जा सकती है। शाह साहब ज़रा ज़िक्र कर दीजिए ऐसे बच्चे जो बड़े कमज़ोर होते हैं, और वरना अगर बच्चा वीक भी है लेकिन एक्टिव है तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर बच्चा एक्टिव भी नहीं है, बहुत कमज़ोर है, खेलते है तो थक जाता है, अम्मा से शिकायत करता है, टांगों में दर्द हो रही है, तो क्या करना चाहिए? देखिए ऐसे बच्चों को जो कम से कम जिनकी एज 4 साल हो, 4 साल से ज़्यादा उम्र हो, 4 साल से कम उम्र के बच्चे वैसे ही एक ग्रोथिंग में होते हैं ये, ठीक है। 4 साल के बाद के बच्चों का अगर वो फिर भी लेजी महसूस कर रहे हो तो वो मगज़ बिनोला, अच्छा। कपास के बीजों का मगज़, ओके, ठीक है, उसे पाउडर बना लें, उसकी आधी चाय वाली चम्मच को 1 कप दूध के अंदर मिला के 1 टाइम रोजाना दें, आधी चाय वाली चम्मच मगज़ बिनोला, ओके, उसे पाउडर बना लें, पाउडर बनाकर आधी चाय वाली चम्मच 1 कप दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना दें, ठीक है, और ये इंशाल्लाह 15-20 दिन दे दें, काफ़ी है, बच्चे एक्टिव भी हो जाएंगे और उनका दिमाग भी बहुत अच्छा हो जाएगा, याददाश्त बढ़ जाएगी, मेमोरी अच्छी हो जाएगी, जैसे कुछ चीज़ें भूल जाते हैं बच्चे या काम करने में बड़ा वो करते हैं, लेजी महसूस करते हैं, ये वो चीज़ भी उनकी दूर हो जाएगी इससे। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 4.5 साल की बच्ची है, 4.5 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जितने भी हैं और 4 साल वाले बच्चे भी जिनके बाल नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि जो 6-6.5 साल की बेटी है उसको बालों का मसला है, जो 4-4.5 साल का बेटा है उसको तो उन्होंने बेड वेटिंग का प्रॉब्लम, बेड वेटिंग का बताया ना, जिनको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है यानी बिस्तर पे यूरिन कर देना, ठीक है, उसके लिए यह है कि काले तिल और सफेद तिल, अच्छा, काले तिल और सफेद तिल उन्हें साफ कर लें, साफ करके फिर मिक्स कर लें, उसकी आधी चाय वाली चम्मच सुबह आधी चाय वाली चम्मच शाम 1 महीने तक दें, ओके, इंशाल्लाह ये बेड वेटिंग की आदत खत्म हो जाएगी। वो तिल के लड्डू भी आते हैं मूंगफली वाले के, हाँ, लेकिन इसमें सफेद तिल और काले तिल दोनों मिक्स करना है, और कितनी तादाद लेनी है, आधा चम्मच मिक्स करने के बाद आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम। इसको फिर से एक बार रिपीट करवा दूंगी मैं ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिए, सलाम पाकिस्तान। हेलो टू द फ्यूचर, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, शानदीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी कॉल्स हम शामिल कर रहे हैं, नंबर है 02132220070। एक खातून थी ब्रेक पे जाने से पहले, उन्होंने अपने बच्चों के मसाइल डिस्कस किए थे, लेकिन बहुत सारी खवातीन इस मसले में होंगी और उनका हल क्या सब बता रहे हैं, एक तो बेड वेटिंग का आपने बताया वो एक बार आप रिपीट कर दीजिए। बेड वेटिंग के लिए सफ़ेद तिल और काले तिल इन दोनों को बराबर वजन लेके मिक्स कर लें और साफ कर लें, फिर मिक्स कर लें, उसमें से आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम बच्चों को दें, बच्चे शौक से भी खाते हैं वो, लेकिन आधी चम्मच से ज़्यादा ना दें, थोड़े से गर्म होते हैं ये, ओके, ठीक है, ये लगातार 10-20 दिन दे दें आप, काफ़ी होता है, जो चीज़ 7-8 दिन में काम ना करे वो 7-8 साल में भी नहीं करती, तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते में ही पता चल जाएगा उन्हें, ये एक चीज़ इनका हल हो जाएगा। और जिन दूसरी बच्ची के बालों का इन्होंने बताया, जिनके बाल नहीं बढ़ रहे हो, सर खाली खाली लग रहा हो, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है जिनके सर पे एलोपेशिया हो जाता है, इसे बाल झड़ जैसे कहते हैं, बाल गायब होने बवें कम हो जाती हैं सारी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए और सर पे बाल उगाने के लिए एक ऑयल रेसिपी थी जो मैंने कुछ अर्सा पहले यहाँ पर बना के भी दिखाई थी, उसके अज्जा जो थे वो थे तिल का तेल 1/2 पाव, कद्दू का तेल 30 ग्राम, रोगन उष्णा 60 ग्राम, रोगन नागर मोथा 60 ग्राम, साहिल नबताती रोगन 120 ग्राम, बेरी के खुश्क पत्ते 1 चम्मच, बरहमी बूटी 1 चम्मच, इन तमाम को मिला लें। यकीन करें एक नाम मुझे याद नहीं, मैं दोबारा से बताएं, सच कह रही हूँ, तो आप शाबाश है आपको, आपने इतने सारे नाम इतनी तफसील, ऐसा लग रहा था कोई आप पेपर दे रहे हैं ऐसे बैठे। नहीं नहीं आप यकीन कीजिए ये हमारे मोहल्ले के बच्चों के नाम नहीं है। नहीं नहीं हमें बिल्कुल अंदाजा ही है उसके नाम है, लेकिन जो लिखने वाले यकीन उनसे भी कुछ चीजें मिस हो गई होंगी, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी रिपीट कर दें एक बार। इसमें है तिल का तेल 1/2 पाव, कद्दू का तेल 30 ग्राम, रोगन उष्णा 60 ग्राम,
रोगन नागर मोथा 60 ग्राम, साहिल नबताती रोगन 120 ग्राम, बेरी के खुश्क पत्ते 1 चम्मच, बरहमी बूटी 1 चम्मच। इन तमाम को मिला लें, एक दिन के लिए घर पे रख दें, दूसरे मतलब दिन छान के मतलब एक दिन के लिए रख लें, सबको मिक्स करके एक जगह पर एक जगह पे रख लें, लो टेम्परेचर में रख लें, ठीक है, रात भर पड़ा रहे, पकाना नहीं है, नहीं पकाने की जरूरत नहीं, इनको कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। मिक्स करने के बाद, रखने के बाद इसे छान लीजिएगा, दूसरे दिन बोतल में भर लें, और जब भी तेल की जरूरत हो सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, दो घंटे के बाद धो लें, ज्यादा तेज ऑयली करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अचानक कॉलर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, सना मुझे हकीम साहब नाम बताइए अपना पहले, मिसेस तारिक बोल रही हूँ गुजरा वाला से, जी मिसेस तारिक कहिए, जी मुझे ये बात करनी थी अपने बारे में, थोड़ा सा समय के बारे में पूछना था, मैंने 3-4 हफ्ते पहले भी बात की थी, असल में मेरे ना एच पाइलोरी पॉजिटिव है मेरा, और मेरे ये क्या नाम है, दर्द भी मेदे में कभी कभी होता है, ठीक है, और दूसरा ये है कि मेरे मुझे कोई मेडिसिन छूट नहीं करती है एलोपैथी की, ना नुकसान देती है, और मुझे इतना ज़्यादा यानी कि ये होता है गर्मी यानी कि हीट हो गई है बॉडी में बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से मेडिसिन जो भी यूज़ करती हूँ मैं, तो मैंने ये पूछना था कि ये इन्होंने डॉक्टर साहब ने एक अपना वो रेमन चीनी वाला नुस्खा बताया था, रिसोपोल का छिलका, मैंने खाली रिसोपोल का छिलका भी इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत शदीद हो जाती है, अब मैंने रेवन चीनी के साथ भी इस्तेमाल तो किया लेकिन कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और एक और मेन मसला है जो मेरे स्टमक की वजह से मेरे आधे गले में तकलीफ है लेफ्ट साइड पे, जैसे टॉन्सिल्स में खिंचाव या उसमें चुभन सी होती रहती है, हर वक्त टूट जाता है और ऐसे गला बंद सा होता है, रात को सोए हुए भी इतना शदीद सा कांटा चुभता है, बाद में सांस रुक जाती है, मैं इस तकलीफ से बहुत तंग आई हूँ और किसी चीज से मुझे फर्क नहीं। आपने अपना थायराइड टेस्ट करवाया? जी मैंने थायराइड चेक करवाए, अपने टेस्ट सारे ठीक, मेरे सारे पॉजिटिव मतलब नेगेटिव है, मतलब किसी कोई नहीं है, सिर्फ एच पाइलोरी पॉजिटिव आया, एंटीबॉडी करवाया लेकिन वो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, अल्लाह मेरी बहन अच्छी हो जाएगी जी। अब मैं क्या चीज इस्तेमाल करूँ कि ये इसबगोल का छिलका मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करी तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन? बिल्कुल, हम अभी आपको बताते हैं, आप और ये गला मेरा ठीक हो जाए बड़ा मेहरबानी, उसके लिए इंशाल्लाह जरूर फर्क नहीं पड़ रहा। जरूर जरूर आप दुआ कीजिएगा, इस माह मुबारक में रब तमाम बीमार जो लोग हैं उनको अल्लाह उनको शफा दे, उनको सेहत दे, बाकी हम यहाँ बैठे हैं, शाह साहब आपको जो नुस्खे बताते हैं आप उस पर अमल कीजिए, शिफा देने वाली दात तो रब की है, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा आपको, शाह साहब हुक्म कीजिए। देखिए एच पाइलोरी पॉजिटिव हो तो उसमें ये एक बैक्टीरिया होता है, ये मैदे में भी अल्सर पैदा करता है, छोटी आंत बड़ी आंत में भी अल्सर का सबब बनता है, पेट में एक तबाही मचा देता है ये, तो उसके लिए मैंने एक बूटी बताई थी रेवन चीनी, रेवन चीनी बूटी होती है, उसको पाउडर बना लें, उसकी 2 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें, 2 चुटकी से ज़्यादा ना डालें, यानी 1/4 चम्मच चाय वाला 1 गिलास पानी में डाल के उसमें 1 चम्मच इसबगोल छिलका भी मिक्स करके दिन में 2 बार पीना होता है, सुबह रात खाना खाने से पहले, और ये लगातार 1 महीना इस्तेमाल करते हैं, 1 महीने बाद अपना एच पाइलोरी टेस्ट करवाएं, इंशाल्लाह आपको नेगेटिव मिलेगा। अच्छा अब मैं आपको दूसरी चीज़, इनको कब्ज रहती है, इन्होंने कहा कि जब मैं पहले इसबगोल इस्तेमाल करी थी तो भी मुझे कॉन्स्टिपेशन थी, अब रेवन चीनी मिला के इस्तेमाल करी हूँ तो भी मुझे बहुत कॉन्स्टिपेशन हो रही है। उसी की तरफ आ रहा था, तो उसको ख़त्म करने के लिए काली हड़ ले लें, उसे पाउडर बना लें, उसकी 1 छोटी चाय वाली चम्मच रात को सोते वक्त सादा पानी से लें, अच्छा। 1 टाइम रोजाना लें, इंशाल्लाह रात को जैसे लेंगे सुबह इनकी कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगी, बहुत अच्छा बेनिफिट्स हैं उसके, काली हड़ उसे पाउडर बना लें, 1 चाय वाला चम्मच सादे पानी के साथ रात सोते वक्त ले लें, और इसबगोल छिलका और रेवन चीनी का इस्तेमाल जारी रखें, आप देखिएगा कॉन्स्टिपेशन की वजह से इनको गैसेस होती हैं जिसकी वजह से सर भारी होता है, दम घुटने लग जाता है, ये गैसेस की वजह से भी होता है, लेकिन ये प्रॉपर अपना चेकअप भी साथ में करवाते रहें कि आया इनके लंग्स की नाली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अब थायराइड तो नहीं है, लेकिन ये परमानेंटली के डॉक्टर को दिखाएंगे तो इनका इंशाल्लाह अच्छा चेकअप होगा। अच्छा आप ये इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन में फ़र्क आएगा, और जब कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी तो आपको ये गैसेस का प्रॉब्लम भी, अगर गैसेस है तो सॉल्व होना चाहिए, अगर उसके बावजूद ये सॉल्व नहीं होता तो डेफिनेटली अपने फिजिशियन के पास जाएं, उनसे कहें और जो भी टेस्ट करवाने हैं वो आप करवाइए ताकि इस मसले को सॉल्व किया जा सके। मिसेस तारिक पहले भी कॉल की थी, मैं मुंतजर रहूँगी, आप दोबारा कॉल कीजिएगा,
फ़ायदा हो तो भी बताइएगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कीजिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसका हल जो है वो बताया जा सके। शेख साहब, अभी जो आप ऑयल बता रहे थे, आपने कहा जड़ों में लगाना है, जिनके जिन ख़वातीन को ये शिकायत है कि बच्चों के बाल कम हैं, चाहे लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको आप लगा सकते हैं। या शेख साहब ने कहा कि अगर आपके आईब्रो के बाल भी आईब्रो के बाल अगर कम हो गए हों, घनी नहीं हों, और दूसरा आईब्रो वाइट हो रही हो, अच्छा, तो ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। सर के बाल वाइट हो रहे हो, ये उसको भी कंट्रोल कर देगी। मैं ये नहीं कहूँगा वाइट बालों को ब्लैक करेगी, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। ऐसी चीज़ होती तो सबसे पहले मैं अपने वालदेन को देता, अच्छा। मैं उनके बाल काले करता, ओके। जो सही बात है, लेकिन उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप, ओके। इससे ये है कि बाल आपकी ख्वाहिश के हिसाब से तेज़ी से बढ़ेंगे भी, जितना आप बढ़ाना चाहते हैं उतना बढ़ेंगे इससे बाल। और वो जो जिनको डैंड्रफ होती है बहुत ज़्यादा, देखिए डैंड्रफ को भी ये ख़त्म करती है, और एक लोगों को एक तेह जम जाती है डैंड्रफ की, जैसे परत सी निकलती है कुछ, तो और सर पे ईचिंग ख़ारिश भी होती है, तो वो हजरात या वो ख़वातीन जो हैं वो कमेला बूटी आती है, पाउडर होता है कमेला पाउडर, ओके, ब्राउन कलर का पाउडर सा होता है, पंसारी की शॉप से मिलता है, उसे सरसों के तेल में या जो ऑयल उन्हें सूट करता है उसमें मिलाकर उसका पेस्ट बना के पूरे सर पे लेप कर लें, और 15 मिनट के बाद धो लें। एक टाइम यानी एक दिन लगाना है, एक दिन नहीं लगाना है, इस तरीके से 4 या 5 बार लगाना होता है। पहली बार में आधे से ज़्यादा डैंड्रफ ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद 2-4 बार लगाएंगे इंशाल्लाह ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी, सर में से ईचिंग ख़ारिश भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल जो लोग कहते हैं कि आपको लैशेस पे करना चाहिए, ये वैसे ही मैंने सुना है, मैंने कहा इसलिए पूछ कर सकते हैं आई लैशेस, लेकिन वो इतना थिक होता है कि उसको अगर आप वैसे ही, तो मेरे ख्याल से आपको नहीं, उसको आपको किसी के साथ डाइल्यूट करना पड़ता है कैस्टर ऑयल। नहीं, ऐसे कैस्टर ऑयल को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अच्छा, सर में भी लगा सकते हैं? सर पे नहीं लगा सकते, सर पे नहीं ना, मतलब उसको फिर डाइल्यूट करना होता है, वरना बहुत ज्यादा वो इतना गाढ़ा होता है कि सर में चिपचिप शुरू हो जाती है। डेफिनेटली फिर आप उसको निकालेंगे किस तरह? जी हाँ, और अभी भी जो मैंने ऑयल रेसिपी बताई उसमें कैस्टर ऑयल नहीं है जी। कुछ अरसा पहले कुछ मेरे पास तकरीबन है 10-12 किस्म की रेसिपीज हैं बालों के लिए, उसमें कैस्टर ऑयल भी डलता है, लेकिन वो मुख्तलिफ तेलों में डाइल्यूट करना, उसको मिक्स करके आप डायरेक्ट आप उसको नहीं लगा सकते। अच्छा, क्या एलोवेरा का इस्तेमाल किया जा सकता है बालों? एलोवेरा का बालों पे इस्तेमाल किया जा सकता है, एलोवेरा का आप खाने की दवाओं में किया जा सकता है, चेहरे पे बालों के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है, और तमाम जिस्म की दर्दों के लिए भी अच्छा है। अच्छा, सर में कैसे लगाएंगे अगर उसका जेल है? आपने एलोवेरा जो है आपके यकीनन घर में बड़ा सस्ता सा प्लांट आता है, आप जरूर अपने घर में रखें, चेहरे पे भी लगाएं, और कहते हैं सुबह अगर आप उसका एक छोटा सा पीस अगर आप खा भी लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर होता है, लेकिन प्लीज़ अपने फिजिशियन से जो है वो आप पहले पूछ लें। लेकिन अगर सर में लगाना है तो क्या करेंगे? किसी ऑयल में मिक्स करके, ऑयल में मिक्स करके लगा सकते हैं, इसे मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर मिला के लगाते होते हैं, लेकिन इसका एक वसी नुस्खा है। वो क्या है? अच्छा, वसी नुस्खा, वसी नुस्खा, इसकी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि मैं एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत कम कराता हूँ। अच्छा, वजह उसकी? नहीं, वजह नहीं है, नुस्खे इतने ज्यादा हैं, इतनी चीजें उसकी मिक्स बहुत ज्यादा होती है, सिर्फ इसका एक हलवा घी ग्वार बनता है, इसे घी ग्वार भी कहते हैं, उसमें तकरीबन 70 चीजें तो उसमें डलती हैं। क्या बनता है? हलवा घी ग्वार, हलवा बनता है इसका? इसका हलवा भी बनता है ना, तमाम जिस्म की ताकत और दर्दों के लिए होता है, उसमें तकरीबन 12 या 13 किस्म की तो सिर्फ मगजियात डलती हैं। तो टोटल इंग्रेडिएंट्स कितने उसके? मैं भी तकरीबन 60, 65, 70 इसके बीच में। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने नहीं खाया है। कैसा होता है? थोड़ा थोड़ा सा, नहीं कड़वा नहीं होता, मीठा होता है। मेरी तरह चीजें जब आप उसमें मिला देंगे? नहीं नहीं, उसमें मगजियात, बादाम, पिस्ता, ये चीजें भी डलती है, वो बना बनाया, उसमें शहद भी डलता है, उसमें देसी घी भी डलती है, उसका जायका जो है मेरी तरह मीठा होता है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, हम अभी बात कर रहे थे चेहरे को दिलकश करने की, आपका चेहरा जो है वो जो सारी सारी रात जागने के बाद या ये तमाम जो हमारी ग़िज़ाई तब्दीली हो जाती है इस महीने के बाद, वो जो चेंज हो जाता है, ख़वातीन बल्कि अब तो जो मर्द हैं वो भी बहुत सारी क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे होते होंगे, आपने देखा होगा हर क्रीम में, हर दूसरे स्क्रब में पीच और एप्रिकॉट का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ये जो कॉस्मेटिक्स हैं इनमें इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, और अभी सीजन है, पीच भी फ्रेश अवेलेबल है, एप्रिकॉट्स भी है, तो शायद इसको डायरेक्ट भी तो लगाया जा सकता है, खाएं भी आप और लगाएं भी, बिल्कुल लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं इसे, लेकिन हर एक चीज़ की एक मिकदार होती है, हर चीज़ की। हम कुछ भी चीज़ ले लेते हैं, जैसे कोई भी फ्रूट ले लेते हैं, चाहे मैंगो ही ले लें आप या बनाना ले लें आप, वो एक बार बैठ गए तो जब तक वो ख़त्म नहीं करनी है छोड़नी नहीं है, पता नहीं, ओके। आप ये भी तो देखें ना, तो एक चीज़ की एक मिकदार होती है, अगर उससे तजावज़ करेंगे तो उसका आफ्टर इफेक्ट आता है। अब जिस तरीके से लास्ट शो में मैंने एक बात बताई थी
कि आप डायबिटिक पेशेंट मैंगो मना किया जाता है ना, अक्सर डॉक्टर्स भी मना करते हैं, लोग भी मना करते हैं, लेकिन जो डायबिटिक डॉक्टर हैं वो कहता है कि हर फल खा सकते हैं, और मैं भी कहता हूँ हर फल खा सकता है वो डायबिटिक पेशेंट, लेकिन प्रोपोर्शन कम, लेकिन उसकी एक मिकदार होगी। हाँ। एक फल लाजमी खाए वो, एक दिन एक फल खा लें, दूसरे दिन खा लें, तीसरे दिन खा लें, इस तरह रोज़ाना मुख्तलिफ फल भी खा सकता है वो, लेकिन एक साथ सारी नहीं खा सकता कि एक मैंगो भी ले लिया, एक बनाना भी ले लिया, एक एप्पल भी ले लिया, ये एक साथ नहीं खा सकता। आज मैंगो खा लें, कल एप्पल खा लें। हाँ, अपने से आप दुश्मनी मत करें, क्योंकि बाद में आपने खुद ही तकलीफ को सहना है। अगर आपने दो मैंगो खा लिए, आप एक पाव जामुन खा लें उसके ऊपर, अच्छा, जो मैंगो में असरात जो उनको डायबिटिक बढ़ रहे थे वो उसको खत्म कर देगी। अच्छा, देखिए क्या रब का खूबसूरत निज़ाम है कि आम के साथ ही जामुन आते हैं, दोनों आते हैं साथ आते हैं, और वो है ही इस चीज़ का। तो ख़ास तौर पर ये जो शुगर के पेशेंट होते हैं इनके लिए जो है ये बहुत बेहतरीन चीज़ होती है, बाकी लोगों को भी खाना चाहिए जामुन। नहीं, एक प्रोग्राम में मुझे एक कॉलर ने फ़ोन किया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने 3 साल हो गए मैंने आम नहीं खाए और मेरा फेवरेट फल है और मैं शुगर की वजह से नहीं खा पा रही। मैंने कहा कौन मना कर रहा है आप? हाँ। आप खाएं, एक आम खा सकती हैं रोज। और क्या, वो ना खाने का जो टेंशन है उससे भी तो शुगर बढ़ेगी ना, तो वो जो आपने शुगर बढ़ानी है वैसे ना बढ़ाएं, आप थोड़ा खा लें रब का नाम लेके, पूरा ना खाएं। अगर आपको पूरे से भी टेंशन है आधा खा लें, लेकिन उसका जायका जरूर लें, रब की नेमतें हैं। अच्छा सना, एक चीज बताऊं आपको, एक एक्जिमा हो जाता है अक्सर लोगों को, आपने देखा बहुत तंग करता है, इतनी ईचिंग होती है कि उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों को भी एक्जिमा की शिकायत रहती हो, जैसे मैंने पहले एक बूटी का नाम लिया शात्रा, शात्रा बूटी जो है वो एक्जिमा और चंबल के लिए बहुत अच्छी है ये, ठीक है, और इसकी एक चम्मच को एक गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। और एक पत्थर टाइप की एक चीज़ आती है जिसे गंधक आंवला सार कहते हैं। ओके, गंधक आंवला सार ये 50 ग्राम ले लें और इसमें 50 ग्राम मुर्दार संग डाल लें। क्या डाल दें? मुर्दार संग। मुर्दार संग एक बड़ा चमकीला पत्थर होता है ये। हाँ। ग्रीन कलर का मुर्दार संग। ओके, ये दोनों 50-50 ग्राम लेके मिक्स कर लें और पाउडर बना लें, फिर उसको सरसों के तेल में या नारियल के तेल में इसका पेस्ट बना के आप अपने एक्जिमा पे लगाएं। ओके, आप देखिएगा कुछ ही दिनों में वो जख्म भी खत्म हो जाएगा एक्जिमा का और उसका निशान भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लगातार कम से कम 45 दिन इस्तेमाल करना होता है। इतनी आसानी से एक्जिमा जाता नहीं है। और शात्रा बूटी जो है उसका पानी भी 40 दिन तक पीना है। ठीक है, तो आप उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह रब ने चाहा तो ज़रूर आपको शिफा होगी। बट ये हर्ब जो है ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन में या 3 दिन में आपको एकदम से जो है उसका रिएक्शन मिलना शुरू हो जाएगा या रिज़ल्ट आना लगेगा। आपको थोड़ी इनसे वफादारी करनी पड़ती है, इनको अपने साथ लेकर चलना पड़ता है, तब कहीं जाके इनका रिजल्ट आता है। नहीं नहीं, आजकल तो जो 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 अगर आपके सिम्टम, क्योंकि हमारा होता है सिम्टमेटिक इलाज हिस्ट्री पे, तो इसमें जैसे ही सिम्टम मिल जाते हैं ना तो 24 से 36 घंटे में बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। अच्छा, इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छी होती हैं। अब डिपेंड के कॉम्बिनेशन, ये बात होती है कि सजेशन पे होती है कि आप क्या चीज सजेस्ट करते हैं। ओके, आपको सूट कितनी देर में करता है? वाह वाह, जबरदस्त। सो ये भी बड़ा जो है, अब तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है तो हर चीज में जो है वो बड़ा फास्ट चीजें हो गया। आई थॉट कि बड़ा लंबा ट्रीटमेंट है, लेकिन शाह साहब ने कहा नहीं, बड़ी जल्दी 24 से 36 घंटे में भी हर्ब जो मैंने है आपको जितनी भी चीजें बताई हैं, मैंने कभी नहीं बताया कि 3 महीना 4 महीना 5 महीना खाएं, कभी नहीं कहा। मैंने कहा कुछ चीजों का मैं कहता हूँ कि 10-12 दिन खा लें, 7 दिन खा लें, 21 दिन खा लें, महीना खा लें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे थायराइड पेशेंट को मैं 3 महीने में क्लियर करता हूँ। राइट, चाह साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, फिर होगी आपसे मुलाकात, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और अपना फीडबैक मुझे सलाम पाकिस्तान के फेसबुक पे ज़रूर दीजिएगा, हम मुंतज़िर रहेंगे आपके। फिर आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़, सलाम पाकिस्तान।